नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग हमारी ऑनलाइन क्लासेस की है जिसको आप देख रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं जो कि हमें पिवट टेबल के टॉपिक इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज का अपडेट उनको मिलता रहे। और आप चाहो तो आप भी हमारे साथ इस तरह की ऑनलाइन डेमो क्लासेस ले सकते हो। हम पहले 2-3 क्लासेस फ्री है जो डेमो देते हैं, तो लेके देखिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने एक बायो अटेंडेंस का डेटा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है और हमें उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है इस तरह का पिवट लगाना है, राइट, ताकि मुझे अटेंडेंस पता हो सके कि कौन सा अटेंडेंस क्या है। तो सिंपल है, हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे, पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और हमने क्या किया यहां पे कि नेम को उठा के यहां रखा, किया नेम रखिए और जो डेट है स्कैन डेट है उसके निर्धारित कॉलम में रखा। और यहां पर देख रहे हैं ग्रुप आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ग्रुप ना आए तो आपको ग्रुप में जाके सिर्फ डे वाइज ग्रुप करना है, क्योंकि एक दिन में 5-7 एंट्री है तो आपको 5-7 जून दिख जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आप डे पे क्लिक करें ताकि ग्रुप होकर सिर्फ डेट आए। फिर मैं स्कैन डेट को वापस जो है वैल्यू में रख देता हूं। तो यहां पे देखिए कि नंबर्स आ गए, जितना बार स्कैन हुआ उसका काउंटिंग आ गया और यहां जहां जहां स्कैन नहीं है वहां वहां ब्लैंक्स आ गए, राइट। तो हम ये चाहते हैं जो ब्लैंक्स हैं वो ब्लैंक की जगह पे अब्सेंट आए। पिवट टेबल के अंदर में आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है, कहां पे, यहां देखिए कि 4 राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आप जाते हैं, यहां पे दिखता है कि 4 एम्प्टी सेल्स शो, ठीक है। तो यहां पे हम इसको 0 कर देते हैं, 0 नहीं A कर देते हैं, तो वहां पे A आ जाएगा। एक तो हो गया कि अब्सेंट आ गया, दूसरा जो ये नंबर दिख रहा है आपको इस नंबर को प्रेजेंट शो करना है। तो आपको याद होगा मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था आपको कि हम किसी वैल्यू को किसी अनदर वैल्यू शो कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसके कस्टम पे जाएंगे और यहां पे पी लिख देते हैं, पी, ठीक है। सिर्फ पी लिख दिया, विजुअल हो गया, अब इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसी तरीके से दूसरा डेटा है जिसमें इन एंड आउट है, मतलब कि हमें अटेंडेंस तो इसी तरह का चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि एक जिम को कितना बजे इन हुआ है और कितना बजे आउट हुआ है, राइट। इसमें आउट और इन, चलो तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके, उसका नेम रखा हमने और इन को मैंने कॉलर पर रख दिया। देखिए आधा मिनट की वजह से आ गए ना अलग लोग हैं, तो हम ग्रुप में जाते हैं और इसको सिर्फ डे वाइज ग्रुप करते हैं, मिनट आवर सेकंड को हटा देते हैं और मैं इनको वापस यहां रखता हूं और आउट को वापस यहां रखता हूं, राइट। इनको यहां रखा और आउट को यहां रखा, लेकिन काउंट आ रहा है। मैं वैल्यू बिल सेटिंग में जाता हूं और काउंट के जगह पे इन जो हुआ है उसको मिनिमम और जो आउट है उसको मैक्सिमम कर देता हूं, मैक्सिमम, और इन सब को वापस हम टाइम में कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है, जो नहीं आया है उसके जगह पे अब्सेंट आ जाएगा बट टेबल में। आगे समझ में? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इन और आउट का डेटा अलग अलग हर कंपनियों में नहीं होता है। सब कंपनियों में आपको ये इस तरह से एक डेटा आएगा जिसमें स्कैन डेटा आएगा, सिर्फ इन आउट से मतलब नहीं है। इसमें कैसे निकालोगे? इसमें भी हम इसी तरह का प्रोसीजर अपना सकते हैं कि मैं नेम यहां रखता हूं और डेट को ऊपर रख दिया। डेट ग्रुप है, नहीं तो आप ग्रुप कर दीजिए यहां पे ग्रुप के आगे डे के हिसाब से। और मैं इस डेट को यहां दो बार रख सकता हूं, तो पहला काउंट आया तो उसको मिनिमम कर देते हैं और दूसरा मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। और पूरे को सिलेक्ट करके अपना टाइम फॉर्मेट, जितेंद्र जी समझ में आ गया आपको? ठीक है, और जो मैक्स और मिन है इसके जगह भी कर सकते हो इन, एंटर मार दीजिए और यहाँ पे आउट। और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस और इसमें मर्ज कर दीजिए और बेटर हो गया। और इसकी फॉर्मेटिंग डिजाइन में जाके चेंज कर लीजिए अपना। ठीक है, ऊपर में देखिए सर, आपका डाटा सर ये ना बायोमेट्रिक का जो डाटा है ऊपर में अगर दो से अगर मर्ज होती है तो पिवट टेबल नहीं लेता है? नहीं लेता, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है? नहीं ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग अपने आपके पास जो फाइल है आप लग जाइए और उसको और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने तो बनाया, आप लोग जो है उसको और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश।